morning, children. I am Priyanka Mishra, faculty of Genius Public India College. Here in my last video, I taught you about the punctuation mark, five punctuation mark, and today we'll continue with the same one with the punctuation mark, and we'll start with the next one. Okay, so next is punctuation mark. Quotation mark may be in double inverted comma or may be in single inverted. The जो quotation mark होता है वो क्या होता है? Double inverted comma में भी हो सकता है और single inverted comma में भी हो सकता है. So if we take the example, he said. इसके बाद हम क्या करेंगे? He said के बाद हम थोड़ा सा रुकेंगे. इसके लिए हमें क्या यूज करना रहेगा? कॉमा यूज करना रहेगा. ठीक है, ही सेड आई एम योर बेस्ट फ्रेंड. तो कोटेशन मार्क क्या होता है? ये वो होता है कि हमने किसी को कुछ कहा, तो उसे हम क्या कर देते हैं? डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं. जैसे कि उसने कहा आई एम योर बेस्ट फ्रेंड. व्हाट ही सेड? ही सेड दैट आई एम योर बेस्ट फ्रेंड. तो फ्रेंड इज अ कोटेशन, सो इट विल बी इन डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. ठीक है, ओके चिल्ड्रन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्या होता है? ये हम तब लगाते हैं जब हम किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं. ठीक है, या हम किसी चीज़ का टाइम और रेशियो बता रहे होते हैं तब हम कोलन का यूज करते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कोलन लगा देंगे, क्योंकि अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो इसके बाद जब हम कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे कोलन लगाया हुआ है. ओके, सो कोटेशन है, स्टे डबल इन्वर्टेड कॉमा में है और कोटेशन में स्टे के बाद हमने यहाँ पे कोलन लगाया. ठीक है, तो माय डैड सेज नेवर हर्ट एनी वन. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोलन. और इफ आई जस्ट टेक द एग्जांपल प्राइम एंड रेशियो, तो चिल्ड्रन व्हेन वी आर राइटिंग विद व्हेन वी आर शोइंग द टाइम, सो हाउ वी विल राइट? अगर अभी लाइक 7:15 हो रहा है तो हम कैसे लिखेंगे? 7:15. ठीक है, ऐसे लिखेंगे. एंड अगर हम किसी चीज़ को रेशियो में लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमने कोई वेंचर स्टार्ट किया है, ठीक है, न्यू बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया है, सो इसमें हम क्या करेंगे? जो हमने कैपिटल लगाया है, कैपिटल लगाया, इसके बाद जो हमें गेन हुआ है या हमने कैपिटल भी लगाया है, तो वो हमने तीन पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर्स ने मिलके एक फर्म खोली है और उसको उसमें कैपिटल लगाया, तो उन तीनों का कैपिटल बटेगा ना, तो इक्वली बटेगा. तो जो कैपिटल हम बांट रहे हैं या जो हमें लॉस हम बियर कर रहे हैं या प्रॉफिट बियर कर रहे हैं, तो वो तीनों में करेंगे. ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसका रेशियो भी कह देंगे, अगर सबने कैपिटल लगाई तो इक्वली कैपिटल लगाई होगी, तो 1:1:1. ठीक है, तो ये इसको क्या हो जाता है? यहाँ पे ये रेशियो, ठीक है, ये कोलन कहलाता है. ठीक है, लेकिन हम इसे बोलते हैं रेशियो. ठीक, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सिंगुलर.
सेमी कोलन भी कोलन की ही तरह होता है, इसमें भी हम थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स द पॉज इन द सेंटेंस। सो मैंने अगर एग्जाम्पल लिया, ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर लूँगी डॉट्स।
that is small ellipses. Okay, children. So all these I have told you about the punctuation. So we'll carry the next topic in our next lecture. Okay, children. Thank you.